फाइनली 2 साल बाद हिंदी बेल्ट से साउथ फिल्मों का पत्ता कट गया है और ये बात अब बॉलीवुड पूरे सबूत के साथ बोल सकता है। जहां एक वक्त ऐसा था कि बॉलीवुड सिनेमा घरों में पैसे का मुंह ताक रहा था, कोई फिल्म नहीं चल रही थी, एक के बाद एक मूवीज फ्लॉप हो जा रही थी, वहीं साउथ उस दौरान जमकर पैसों में नहा रहा था। एक बार को तो ऐसा लगा कि साउथ बॉलीवुड पर टेक ओवर कर लेने वाला है। हालांकि बॉलीवुड ने सॉलिड कमबैक किया और साल 2023 की लिस्ट में अभी तक एक भी साउथ की ऐसी फिल्म मौजूद नहीं है जिसने हिंदी बेल्ट में आतंक मचा दिया हो। साल 2023 में बॉलीवुड की रिलीज हुई 8 ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर साउथ का नाम और निशान ही खत्म कर दिया और इस साल की सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई। चलिए बिना देरी करते हुए आपको उन 8 फिल्मों के नामों से रूबरू करवाते हैं। नंबर 1, पठान। 543 करोड़ के कलेक्शन के साथ शाहरुख खान की पठान साल की सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म बन गई है। इस फिल्म में शाहरुख को पहली बार एक्शन अवतार में देखा गया था। ये किंग खान की कमबैक मूवी है। नंबर 2, गदर 2। सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी ने एक बार फिर से गदर मचा दिया। उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 517 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। नंबर 3, जवान। क्योंकि अभी जवान की कमाई जारी है, बावजूद उसके इस फिल्म ने अब तक 410 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ तीसरे नंबर पर अपना सिंहासन बना लिया है। नंबर 4, द केरला स्टोरी। साल की चौथी सबसे कमाऊ हिंदी फिल्म 242 करोड़ के साथ द केरला स्टोरी है। इस फिल्म का बजट काफी कम था, लेकिन इसके इरादों ने इसके कलेक्शन को हर बॉर्डर पार करवा दिया। नंबर 5, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। 5वें नंबर पर मौजूद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने 153 करोड़ रुपए कमाए और इसी के साथ ये फिल्म हिट साबित हुई। नंबर 6, OMG 2। अक्षय कुमार की सेक्स एजुकेशन पर बेस्ड फिल्म ओ माई गॉड 2 इस लिस्ट में 6ठे स्थान पर है, जिसका कलेक्शन 149.67 करोड़ रुपए रहा है। नंबर 7, तू झूठी मैं मक्कार। 149 करोड़ की कमाई के साथ रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की तू झूठी मैं मक्कार का नाम लिस्ट में 7वें नंबर पर है। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया गया है। नंबर 8, आदि पुरुष। जी हाँ, 8वें पायदान पर प्रभास की आदि पुरुष है, जिसने 135 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। हालांकि फिल्म की कहानी और VFX को बिल्कुल पसंद नहीं किया गया और फिल्म की खूब बुराई भी की गई। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।